आ जाऊं, खाना तैयार हो गया। आ जाओ नीचे, आ जाओ, मैं तुम्हारे से पूछती हूँ। नीचे जाऊँ हैं? नीचे तो आओ, मैं तुम्हारे से पूछती हूँ। मुझे ऑफ द कैमरा बहुत ज्यादा डांट रही थी। पहले डांट खाओ फिर खाना खाओ। दाल और चावल आ चुके हैं। वाह वाह, मजे हो रहे हैं। वाह वाह वाह, यहाँ पर मैं जो है ना शुक्रिया अदा करूँगा अपने उन तमाम बहन भाइयों का, क्योंकि कल मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट लगाई थी कि अगर आप बहन भाई कहें तो हम दो वीडियोस कोशिश करके अपलोड करेंगे। तो वोटिंग में आपको साइड पे भी नज़र आ रहा होगा, तो जितने बहन भाइयों ने भी सपोर्ट किया जी और दो वीडियोस का कहा जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गिर रहा था मैं, हम आप कमरे में आ गए। गिर रहा था वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जी, हमारी एक बहन है इंडिया से, पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हैं, पंजाबी हैं, तो मैं पंजाबी में कहूँगा जी। बाजी ताडा नाम लै रहा जी, ताडा ते साडे भाई दा बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया, तुसी सानू बहुत ज्यादा प्यार करदे हो जी, बहुत शुक्रिया ताडा भी, ते तमाम साडे पैणा भाई जेड़े सानू इंडिया च वेखदे आ, जेड़े साडे पैणा भाई सानू इंडिया च वेखदे आ, जिन्ने भी साडे पैणा भाई सानू पूरे पाकिस्तान च वेखदे आ जां पाकिस्तान तों बाहरों वेखदे आ जी, सब दा बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया जी। और उनका नाम है जी सोनू और बंटी। सोनू जो है वो हमारी बहन है और बंटी जो है वो उनके हस्बैंड है जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है, ठीक ठाक है, कैसे से हैं, जहां रहे खुश रहे आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, आज जो है बेगम साहबा पता नहीं कौन सा नया कारनामा करने जा रही हैं, ये जो है ना इसको मेरे ख्याल में इसमें लगा रही हो। हाँ जी, जैसे कि मेरी बहनों ने कहा था ना कि रबे डिनर सेट को आप इकट्ठा करके लगाए ताकि इसमें दो डिनर सेट और आ जाए, तो मैं आज उनके कहने पर अमल कर रही हूँ। आज ये चीनी का डिनर सेट मैं इसी में सेटिंग कर रही हूँ। तो ये सेंटर वाले बर्तन, सेंटर वाले बर्तन देखे मैंने सारे ऊपर कर दिए हैं फ्रंट पे। और ये जो ये वाले हैं अपने तस्वीरों वाले कप, ये कहाँ रखोगी? ये भी इसी में रखो, एलसीडी जा रही है। ध्यान से, कल मैंने मुश्किल से रखी है वो टेबल, मैंने तुम्हें खाली करके दी थी। हाँ जी हाँ जी, तो एक मिनट ये इसकी पिर्च नहीं है, मुझे इसकी पिर्च नीचे है। मुझे वो जो तुम जिसको तुम कह रही थी ना, वो चिराग, अल्लाह देने का वो चिराग जो है ना वो उसका, ये क्या है रबिया, ये ढकने हैं। अच्छा, अलादीन के चिराग के ढकने हैं। ये वो वाला जो है ना वो पता नहीं किसके किस लिए बताया था, ये रखा है, ये दूध के लिए कह रहे थे। मैं इन्हें ऐसे ऐसे टिश्यू के साथ ऐसे ही रखूं? हाँ, टिश्यू के साथ ही रखूंगा ताकि आपस में क्रॉस होकर टूटे ना। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये रही वो पिर्चे। हाँ, पिर्चे ये वाली थी और इसने वो वाली बनाई हुई थी। नहीं, मैं ऐसे रखूंगी ना टिश्यू के साथ क्रॉस, ताकि ये आपस में जोड़कर टूटे ना। हाँ, और ये रही वो चाय की चैनक, और ये है इसका ढकना, कैप। हाँ, अच्छा अंग्रेजी भी बोल लेती हूँ, कैप। हाँ जी, अब इतनी भी जाहिल नहीं हूँ कि जितनी आप समझते हैं मुझे। नहीं नहीं, मैं तो नहीं, मैं तो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ अभी। हाँ, मतलब मुझे ना स्कूल में दाखिला दिलवाया। नहीं, मैं खुद नहीं पढ़ाता हूँ तुम्हें। और ये है सूखे दूध की, वो है चीनी की। हाँ जी, आज सुबह से काफ़ी ज़्यादा धुंध थी, लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और बाथरूम जो है मस्जिद का, जो वॉशरूम बन रहा है वो तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। पहले हम मस्जिद की तराई के लिए यहाँ से पाइप ले रहे थे और आज जो है सिर्फ तार ली है, क्योंकि आज सुबह मैंने नई मोटर मंगवाई है जो अभी फिट हो रही है, आपको वो भी दिखा। ये वाली मोटर फिट कराई है अभी, नया पंप बिल्कुल, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मस्जिद की तराई जो है वो शुरू हो चुकी है। छत पे जा रहा है, ऊपर छत भरनी है पहले, उसके बाद फिर जो है ना तराई शुरू हो जाएगी। तो इस वक्त जी है मस्जिद के छत के ऊपर का हिस्सा है, जो कि ये छोटे छोटे से क्यारियाँ बनाई हुई हैं ताकि तराई रह जाए, तो इनको भरा जा रहा है अभी। तैयारियाँ चालू हैं, तैयारियाँ शुरू हैं अगले सरप्राइज की। अच्छा, लोग पता है क्या कह रहे थे अक्सर कमेंट्स से, कि जो है ना या तो नवाज भाई के घर जा रहे हैं या सऊदी अरब जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है जी, बहुत बड़ा सरप्राइज है हमारा। सिर्फ एक बंदे ने गेस किया था, कमेंट था, तो आज की वीडियो में खैर मैं आपको बता दूंगा, वीडियो में आपने हमारे साथ ही रहना है। नहीं नहीं, अभी बता दूंगा, आज की वीडियो में ही बता देंगे, तो आपने वीडियो में साथ रहना है जी। इस पेटी में बर्तन वगैरह जो उधर अलमारी में लगाने थे, हाँ उधर वो लगा दिए हैं, बाकी इधर। और बच्चे जो हैं वो अभी स्कूल से आए हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। छुट्टी हो गई जी। और अहमद के कपड़े निकाल, थैंक यू सो मच।
जी बेगम साहबा ने तो कमाल ही कर दिया, कमाल अहमद की पसंद की चीज है। दाल चावल कराची वाला जी, वाह जी वाह, माशाल्लाह। धनिया हमारे अपना घर का है। हाँ धनिया तो है, और मूलियां भी काफी बढ़िया है। आज सलाद में मूलियां भी ले आता हूँ और शलजम भी ले आता हूँ मामू की तरफ से। हाँ जी, बहुत मजा आएगा। लस्सी भी ले आएंगे। लस्सी? हाँ जी। चलो मैं जाता हूँ, पता करता हूँ, अगर लस्सी मिल जाती है तो वो भी ले आता हूँ। हाँ जी, आ जाओ, खाना तैयार हो गया। आ जाओ नीचे, आ जाओ, मैं तुम्हारे से पूछती हूँ। नीचे आओ, हैं? नीचे आओ, मैं तुम्हारे से पूछती हूँ। अभी क्या हो गया? आओ तो सही, नीचे खाना बन गया। दूंगी, पहले तुम्हारे क्लास करेंगे, बाद में खाना मिलेगा। हाँ पहले क्लास होगी। खाना नहीं मिलेगा आज, बिल्कुल खाना मिलेगा ही नहीं। मिलेगा ही नहीं, पता नहीं अब मैंने क्या कर दिया जी। चलते हैं नीचे, काफी दिन से मैं काम कर रही हूं ना, तुम कर ही नहीं रहे। कौन सा? अभी आ रहा हूं नीचे। आओ तो सही। क्या हुआ, डर लग रहा है? डर लग रहा है। गाजरे लेके जा रहे हो? जूस बनाएंगे। कैसे दिए? 30 रुपए किलो। अच्छा, शहर गया था गाजरे लेके आया। मोटियां चंगियां? अपनी नहीं उगाई, इधर अपनी तरफ नहीं हुई अभी, छोटी है, उगाई हुई है, छोटी है। भतीजा है मेरा। क्या बनोड़ा बड़ा होना? कह रहा बनोड़ा वो कोठी दा। हाँ, मिस्त्री फारक से बैठा। अच्छा, हाँ सीढ़ी चाहिए? हाँ सीढ़ी चाहिए, वो सटेन मतलब बनोड़ा बात से बाबा वो कमरे को गई है भाई। ये कह रहा है लाइट चली गई है, सीढ़ी दे दें। मिस्त्री जो है वो फारिग हो गया है, तो ये कारी साहब वाले कमरे को चारों तरफ से ईंटें लगानी है। शापर चातीवान, शापर पे अंदर, ठीक है? शापर बाद है। अच्छा, पहले बनोड़ा बदी से, बनोड़ा बाद से वाला शापर भी से वाला वो यो परनाला वाला उतो प्लास्टर थी से। प्लास्टर हो तो काल थी से। अच्छा, हाँ वो बाद थी से, बनोड़ा वाली बदी से। चलो मैं कुत्ता लहाड़े वाला सीढ़ी चाव। मानो सीढ़ी उतार रहे हैं, चलो नीचे चलो। अच्छा जी, ये सीढ़ी से चढ़ती है और सीढ़ी से ही उतरती है। मेरे को लहांडे वाला अभी नाला भी चाहती है ना। बहन भाई पता है क्या, रोजाना कहते हैं कि अहमद भाई सीढ़ी लगवा लो, सीढ़ी लगवा लो, तो आप भी जरा बता दो कि सीढ़ी जो है हमारी अभी मिस्त्री जैसे लगे हुए हैं, तो सीढ़ी अभी बन जाएगी। लोहे की लगवा दो। ये कह रही है जी लोहे वाली सीढ़ी, लेकिन जो है ना जैसे आपने कहा भी है कि वो सीमेंट वाली आपने जो है ना लगवानी है, तो सीमेंट वाली ही ज्यादा अच्छी रहेगी। चावन कराची चावन। अच्छा, हाँ अलड़ता सीढ़ी पाई है लो कराची जी। कौन सी क्लास लगानी है मेरी? अच्छा, खाना ले आओ पहले, बाद में मेरी क्लास लगाना, पहले मुझे खाना दे दो। खाना नहीं मिलेगा, कैमरा बंद करो, मैं तुमसे पूछती हूँ। कैमरे के बंद? हाँ ऑफ कैमरा। कौन सा गुनाह कर दिया? अच्छा जी, अक्सर बहन भाई कमर्स कर रहे होते हैं कि इनके बाल नहीं कटवाए गए ना, तो आप सबको पता है कि इनके जो गर्मियों में सर के अंदर ना इनको इनके बाल इसीलिए कटवाए थे कि हादिया के सर में ये देखें जी यहाँ पर फोड़ा हुआ था, जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो चुका है। हाँ, और अक्सा को जो है गर्मियों में फोड़े हुए, तो इस वजह से इनके बाल कटवाए, वरना हमें भी बहुत अफसोस है। मर्जी में तेल लगा लूं, मालिश कर लूं, सर में तेल डाल दूं, इनके सर देखो फिर भी प्यासे के प्यासे। हाँ, तो इस वजह से जो है ना हमने इनके बाल हल्के किए। मुझे ऑफ द कैमरा बहुत ज्यादा डांट रही थी जी, अभी कैमरा खुल गया जी, अभी कैमरे के सामने डांटो जो भी डांटना है। हाँ तो कैमरे के सामने भी मैं डांट सकती हूँ। मुझसे कैमरा बंद कराया और मुझे अच्छा खासा डांटा है इसने आज। अच्छा खासा सोटी लेकर आओ। ओ सोटी सोटी आज रखी सोटी को। तो मैं आज तकरीबन 2 माह हो गए तुम्हें काम बोला, तुमने नहीं किया। अब कौन सा काम है? ओवन का कह रही हूँ, ओवन लेके दो। वो क्या होता है? सालन गरम करने वाला। वो सीटी वाला तो तुम्हें ला के तो दिया था। वो सीटी वाला कुकर है। ये क्या चीज है जी? ये ओवन, ओवन कह रही है, ओवन ओवन का तो मुझे भी पता नहीं है ओवन क्या है। ये मुझे कह रही है कि उसके अंदर सालन गरम होता है, वो कहीं बिजली में सालन गरम होता है, ब्रेड गरम होती है, रोटी गरम होती है। तो चूल्हा तो लगा हुआ है ना, उसके ऊपर गरम कर लिया करो ना। तो चूल्हे से ना वो बेहतर है। अब वो क्या चीज है मेरी समझ में? वो जो सीटी बजाता है, वो मैं इसको ला के दे चुका हूँ, आप सब ने भी देखा है जी। और मुझे तो खैर इन चीजों के नाम ना पता है, ना मुझे इन चीजों के बारे में ज्यादा इल्म है। अब ये ओवन ओवन कह रही है, कहीं ये कराची में इसने कहीं देखा होगा जो अभी इसको याद आ रहा है, तो ये कह रही है मुझे ओवन। होता किस टाइप का है ये? जैसे वो सिलेंडर वाला चूल्हा, जो सिलेंडर के ऊपर चूल्हा लगा होता है, वो वाला तो नहीं है? नहीं, वो डब्बे नुमा होता है। तुम मेरे साथ चलोगे ना मार्केट तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। अब ये पता नहीं कौन सा वाला ओवन है, और ये मुझे 2-3 महीनों से कह रही है कि जो है ना
सालन रात को भी जैसे ठंडा हो जाता है तो गर्म करना होता है, तो कभी कभी अर्जेंट गर्म करना होता है, कटोरी में सालन गर्म कर सकते हो। तो वो किस चीज पे, गैस पे चलेगा? नहीं नहीं बिजली से चलेगा। बिजली का बिल 7 महीने से नहीं आया, 7वां महीना लग चुका है हमारे मीटर को। मीटर हमने अप्लाई किया था तो हमारी बहन है लाहौर से, उन्होंने उनके रेफरेंस से जो है मीटर जल्दी आ गया था, लेकिन अभी तक 7 महीने हो गए हैं जी, बिजली का बिल नहीं आया। जब भी वापडा वालों के ऑफिस जाता हूं तो वो यही कहते हैं कि अगले महीने आ जाएगा, अगले महीने आ। अब ऐसे करते करते 7 महीने गुजर चुके हैं, बिल अभी तक नहीं आया। ऊपर से बेगम साहिबा कह रही हैं जी मुझे वो चाहिए ओवन, ओवन। अच्छा, दूसरा ओवन भी दे दिला दो और गैस की बचत हो जाएगी, आप मुझे इलेक्ट्रिक चूल्हा भी दिलवा दो। अल्लाह की बंदी, बिल पहले नहीं आया। इलेक्ट्रिक चूल्हा वो है ना, इलेक्ट्रिक चूल्हा हमारी वो जो केतली है, नहीं नहीं वो तो बिजली वाला चूल्हा है, इलेक्ट्रिक चूल्हा है, उस पे सालन वगैरह बना सकते हो। तो इस पे भी वो जो हमारी जग है उस पे सालन थोड़ी बना सकते हैं, और उसमें सिर्फ ग्रीन टी बनती है, चाय भी नहीं बनती, ग्रीन टी बनती है उसमें। मैंने तो कई दफा उसमें चाय बनाई है, चाय अच्छी अच्छी सी बन जाती है। तो चाय बनाई थी याद है, पूरी उबल गई थी चाय सारी। हाँ, तो उसमें सिर्फ आप अंडे बॉयल कर सकते हो और पानी ग्रीन टी का उबाल सकते हो। सालन के लिए इलेक्ट्रिक चूल्हा मुझे। अच्छा जी, आप सबको जो सरप्राइज है वो आप सबके साथ में भी अभी यहाँ पर शेयर करता। चलो खैर, बेगम से जो डांट पड़ी है वो पड़ी है जी, अब मुझे पता नहीं है मुझे दुकान पे ले जाएगी, मुझे दिखाएगी, या मुझे ना अभी इंटरनेट पे मैं सर्च करता हूँ, मुझे वो दिखाओ कि है क्या चीज़। मैं पता क्या समझ रहा था, वो जो सिलेंडर के ऊपर चूल्हा नहीं लगा होता, एक तो मतलब पाइप लगा के अलग होता है, जो सिलेंडर के ऊपर लगा होता है वो मैं समझ रहा था कि तुम वो वाला है, वो उसके ऊपर लग जाएगा और सिलेंडर अंदर रख लेंगे, जब सालन गर्म करना होगा हम कर लेंगे, मैं वो समझ रहा था ओवन को। और ओवन सिर्फ किचन में लगा रहेगा, और मुझे किचन भी बनवा के दे दो जल्दी से। किचन कल डिजाइन तो देख के आए हैं ना, अब वो मिस्त्री तो आ रहे हैं ना मस्जिद का प्लस्तर करने के लिए, तो फिर उन्हीं से स्लेब वलेब लगवा लेना, फिर उसके बाद वो जो काम है किचन का वो तुम करा लेना, मैंने मना नहीं किया। हाँ जी, और तो अल्लाह तुम्हारा भला करे, मुझे ओवन भी लेके दें और मुझे इलेक्ट्रिक चूल्हा भी लेकर दें। इलेक्ट्रिक चूल्हा, ओवन, बिल पहले आने दो। गैस वाला ओवन कहो तो वो दिला देता हूँ, गैस वाला भी होता है ना? नहीं, गैस वाला नहीं होता। गैस वाला नहीं होता, सिर्फ बिजली वाला होता है। बिजली वाला, उसके अंदर राड लगे होंगे हीटर वाले, उसके अंदर राड अच्छे खासे हाई पावर के। अल्लाह की बंदी, क्या करना चाह रही हो तुम चाह रही हो कि मीटर जो है ना हमारा उड़ जाए। मेरे कजन के घर में है, मैंने वहां देखा था, तो मुझे भी रस पड़ेगा, मैं भी ले लूं। अब जी ये बाजार जाऊंगा या भी इंटरनेट पे देखूंगा कि कौन सा ओवन होता है जी। बाकी सरप्राइज हमारा ये है कि जी 1 फरवरी को हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, मैं आपको क्लियर बता दूं, हमारा जो सरप्राइज हैप्पी बर्थडे हमारी शादी की है जी। हाँ जी, शादी की है 1 फरवरी 2008 में। अच्छा, यहाँ पर मैं बात बताऊं कि मेरी और नवाज की डेट ऑफ बर्थ एक है, डेट ऑफ बर्थ एक है नवाज भाई की, जिस दिन उनकी हैप्पी बर्थडे आ रही है ना, सालगिरह आ रही है, उसी दिन मेरी सालगिरह है, सेम टू सेम एक है, एक ही दिन। हाँ जी, चलो अभी तो खाना ला के दे दो, पहले मैं नेट पे देख लेता हूँ ओवन क्या है। तो चलो, हाँ अभी थोड़ी, पहले बिल आएगा बाद में, खाना लाओ अभी मुझे भूख लगी है। पहले डांट खाओ फिर खाना खाओ, दाल और चावल आ चुके हैं। अक्सा मेरी बेटी कितनी प्यारी है, मेरे लिए भाग के गई है और शलजम तोड़ के लगी है, जाओ इसको धो के आओ। शाबाश, इतना ठंड तो नहीं है राबिया, खाना वाना खा के जी अंदर आ चुके हैं, और अभी जो है ये मैं हीटर चलाने जा रही हूँ। अभी तो कुछ और कह रही थी, गीजर भूल के कह रही है गीजर चला दो अहमद, गीजर चला दो अहमद, और जल्दी से बाहर से आई ना कांपती हुई, तो मैं कह रही अहमद तो अभी मुझे इंटरनेट पे सर्च करके दिखाओ वो जो आपका क्या है, मैं यूट्यूब पे सर्च करती हूं बिजली वाला चूल्हा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फुल पे चलाया? हां, मैंने फुल पे चला दिया, मुझे सर्दी बहुत लग रही है। बैठ जाओ ना उधर ही, रजाई लेके बैठूंगी। दिखाओ जी आपका कौन सा वाला ओवन है, वो मैं भी तो देखूं, मेरे हिसाब से गूगल में सर्च करना। हाँ, यहाँ पर लिखो, देखते हैं जी क्या निकलता है, इसको अलाउ करो ना। हाँ, इधर ही ओवन। अच्छा, ये कमेंट्स भी ऐसे ही करती है, मैं आपको बता दूं ओवन ऊपर ऊपर है ना। हाँ, क्लिक करो, इधर नहीं, इधर इधर, हाँ इमेजेस पे क्लिक करो, इधर इधर और मुझे ना इसमें ना ये तो
ये तो टीवी है राबिया, देखो एलसीडी है, बटन है इसके। ये देखो इसके अंदर डब रोटी भी बनती है, बिस्किट भी बनते हैं, पिज्जा भी बनता है। वो तो मैं मान रहा हूँ, लेकिन ये तो टीवी है बिल्कुल। नहीं देखो इसके अंदर रोस्ट भी फ्राई होता है। ये कैसा है, ये कैसा चूल्हा है? ये देखो ये तो मेरी समझ से भी बाहर है राबिया। ये देखो पिज्जा बन रहा है। तो ये मेरे ख्याल में टीवी के अंदर रखा हुआ है। हाँ जी एलसीडी चल रही होगी ये। हाँ जी ये देखो ना यहाँ स्क्रीन, सब में स्क्रीन लगी अच्छा? हुई है, सब के अंदर स्क्रीन लगी हुई है। अच्छा अहमद ओवन बड़े वाला भी आता है चूल्हे नहीं वाला। ये स्क्रीन है या कुछ और होता नहीं, है? इसके शीशा है ये। अच्छा ये शीशा होता है। ये शीशा अहमद चूल्हा वाला भी ओवन आता है। अच्छा ये चूल्हे वाला है बड़े वाला, तो ये इसके ऊपर चूल्हा है। कितने का? नीचे करो यहाँ पर लिखो प्राइस इन पाकिस्तान, ओवन प्राइस इन पाकिस्तान। ये नीचे आ गया ना, ओवन प्राइस इन पाकिस्तान। यहाँ पर हाँ इसको आप आल पे लेके आओ ना, यहाँ पर ये यहाँ पर देखते हैं जी कितनी कीमत है। इधर दिखाओ बेकिंग ओवन 12,500 रुपए, मतलब 12,500 रुपए का ये सिर्फ बिजली वाला चूल्हा है। ये देखो 7,500 का भी है, 17,500 का भी, 17,200, 13,500। ये टीवी? हाँ जी। तो राबिया फिर उससे बेहतर नहीं है हम वो दूसरे वाला हीटर ले लेते हैं जो जमीन पे रखते हैं, उसका भी ऐसे लगा होता है, उसी के ऊपर कटोरी रख दी और सालन गरम हो जाएगा। नहीं, नहीं उसमें खतरा है बिजली का, वो बिजली से चलता है। और इसमें ये खतरा ये भी तो बिजली से चलता नहीं, है तुम कह रही हो, खतरा नहीं है बिजली का। अच्छा तुम ऐसा करो मुझे सबकी कम कीमत वाला ले दो, ये वाला 17,200 वाला। ये सबसे कम कीमत है जी, 17,200 वाला ये कम कीमत है। मैं तुम्हें ये वाला कहो तो ये वाला तो हो जाएगा 7,500 वाला, 7,500 वाला। नहीं यहाँ से आता कहो, या फिर ये 13,500 वाला ले दो, या फिर 12,500 वाला ले दो। ये आप थोड़ी बात, ये तो अब शॉप पे चलेंगे तो देखेंगे कि कौन सा वाला जो है ना, लेकिन वो लेना है जिसकी एलसीडी बड़ी हो। तो मुझे फिर वो लेके दे दो ना चूल्हो वाला, एलसीडी जिसके आगे बड़ी लगी, चूल्हे वाला लेके दे दो ना फिर, चूल्हे वाला ओवन इतना बड़ा होता है देखे जितना भी इस तरह। मुझे तो लगता है कि इन्होंने सामने एलसीडी इसीलिए दी हुई है कि उसका जो अंदर पक रहा होगा उसकी जो वीडियो है। बोटी भी बनती है। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, देखो ना टिक्का बोटी ऐसा होगा ना, सीख बोटी अंदर रख देंगे और उसकी जो वीडियो है वो यहाँ पर इसकी एलसीडी पर चलेगी, ऐसा होता है ना। हाँ यहीं पर चलेगी, यहीं पर चलेगी। अच्छा जी देखते हैं जी, ये चूल्हा लेके आते हैं। अब डांट तो आज हमने खा ली जी, आप सब बहन भाई ने भी दुआएं करनी है हमारे लिए कि मैं आगे इसकी डांट ना खाऊं। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल जी, दुआओं में रखिएगा, याद हमें दीजिएगा। इजाजत होगी जी, आपसे कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।